आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक बहुत पीट गई है बीजेपी की, आरएसएस की, और सोचिए जिस तरह से अब इस्तीफा देना पड़ा है, जब राज्यपाल को क्या नहीं पता था कि अगर 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 जिस तरह से अंधेरे में रखा गया, जिस तरह से प्रधानमंत्री, जिस तरह से पूरी घटना रांची में हुई, सरकार पहले भी गिरती रही है, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी महाराष्ट्र में, जिस तरह से रात के 12 बजे राज्यपाल को आप चिट्ठी देते हैं, 4:45 पर गृह सचिव राष्ट्रपति हटाने के लिए दस्तखत करते हैं, राष्ट्रपति को मना नहीं होता है, और सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री का शपथ दिलवा दिया जाता है, इससे साफ लगता था कि कहीं ना कहीं बेईमानी से सरकार बनाई जा रही है। समझिए कि हम लोग कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, यहाँ तो दिन दहाड़े डकैती हो रही है। सोचिए गोवा में क्या हुआ था, इसी तरह की चीज़ें हुई थी, मणिपुर में क्या हुआ था, इसी तरह की चीज़ें हुई, कर्नाटक में क्या हुआ, इसी तरह की चीज़ें। जो बीजेपी कहती है कि चाल चरित्र और चेहरा, वो सब कुछ साफ है। और आप समझिए, मैं बहुजन समाज के लोगों को कह रहा हूँ, आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर 2019 का दिन है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बहुजन समाज नहीं चेता तो यकीन मानिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अब उद्धव ठाकरे के गेंद पाले में है, शरद पवार के पाले में है, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, इनके आँख में आँख डालकर बात कीजिए। बेईमान लोग हैं ये, सिर्फ डराते हैं, धमकाते हैं, ये चुनाव भी EVM के वजह से जीत के आ रहे हैं जिस तरह से लग रहा है। और जो इतना सोचिए, वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी सरकार, कल फ्लोर में आप कम से कम, जब आपको इतना भरोसा था तो आप कम से कम फ्लोर टेस्ट पर जाते, आपने पहले रिजाइन कर दिया, क्योंकि ये सब के सब साम दाम दंड भेद CBI ED इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ इस देश के विपक्षी नेताओं से, घरों से निकलिए, अपने ताकत को दिखाइए। और जिस तरह से शरद पवार ने, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कमिटमेंट दिखाया है, नहीं तो डरना होता तो CBI ED से तो वो भी डरते। शरद पवार ने कहा था कि आइए चलिए मैं आता हूँ दिल्ली, मैं आता हूँ ED के सामने, मैं दिल्ली के सामने झुकूंगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ बहुजन नेताओं से कि वो ताकत लाइए। सोचिए महाराष्ट्र में आप मराठा को डरा रहे हैं, गुजरात में आप पटेलों को डरा रहे हैं, हार्दिक पटेल को, OBC को डरा रहे हैं, UP में आपने बहुजन की सत्ता केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके आपने चुनाव जीता, ठाकुर को CM बना दिया। ये तमाम तरह के हठगंडे बीजेपी अपनाती है। और मैं फिर कह रहा हूँ इस देश के लोगों से कि अब दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो गया है, दूध पानी की तरह साफ है, कि जो राष्ट्रपति की भूमिका है, जो राज्यपाल की भूमिका है, जो गृह मंत्री की भूमिका है, जो प्रधानमंत्री की भूमिका है, वो सब सवालों के घेरे में है। और इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये देश डेमोक्रेसी से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जिस तरह से बाहर आए थे, जिस तरह से अयोध्या पर फैसले आया है उससे लोग असंतुष्ट है, जिस तरह से जस्टिस लोया के मामले में सुनवाई ही नहीं चलने दी गई, जिस तरह से राफेल को लेकर कहा गया कि नहीं इसमें जांच की जरूरत ही नहीं है, वो रिटायर हो गए जज साहब, जस्टिस गगोई रिटायर हो गए, रिटायर होने से पहले किस तरह से कॉन्स्पिरेसी हुई थी, एक महिला आती है जस्टिस गगोई पर आरोप लगाती है कि हैरेसमेंट का, उसके बाद एक जांच बैठती है, वो जस्टिस गगोई को क्लीन चिट देती है, और कुछ दिन बाद उस महिला के खिलाफ जांच बैठता है और वो उस महिला को भी क्लीन चिट दे दिया जाता है। जब या तो गगोई को क्लीन चिट मिल सकता था या उस महिला को मिल सकता था, या तो महिला ने सही आरोप लगाया था या झूठा आरोप लगाया था। पूरी तरह से देश के डेमोक्रेसी को हाईजेक कर लिया गया है, पहले EVM के बहाने और अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान को भी नहीं माना जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इसके खिलाफ सड़कों पर आएँ, खड़े हों, इस सरकार के आँख में आँख डाल के बात कीजिए। लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं, छोटे बिजनेसमैन परेशान हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग इनके साथ हैं जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, जो इस देश में कर्मकांड को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो शेड्यूल कास्ट से नफरत करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से नफरत करते हैं, जो पिछड़ी जाति के लोगों से नफरत करते हैं, जो माइनॉरिटी से नफरत करते हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी से नफरत करते हैं, वैसे लोग इसके साथ हैं। और सबसे बड़े इनके सागिर जो हैं वो मीडिया और अखबार है। जिस दिन इस देश के बहुजनों ने मीडिया को देखना शुरू बंद कर दिया, अखबार देखना बंद कर दिया, आप यकीन मानिए इनके 2 रुपए की औकात नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अखबार के जरिए, टेलीविज़न के जरिए, मीडिया के जरिए आपके वोट को ठगा जा रहा है। बहुजन समाज के लोग सचेत होइए, और हमारे नेताओं से अपील है कि आप घरों से निकलिए, संघर्ष कीजिए, जीत आपकी तय है। 10 साल कोई बड़ा टर्म नहीं होता, इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप लोगों ने देखी है, 10 साल तो मनमोहन सिंह जैसा मृदुभाषी आदमी प्रधानमंत्री रह के गया है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये देश गुंडई से नहीं चलना चाहिए, ये देश संविधान से चलना चाहिए, संविधान का सम्मान हो। इन लोगों ने महाराष्ट्र के मामले से साफ है कि सब कुछ जबरदस्ती की गई है, संविधान को अनदेखा किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर को। सोचिए अगर ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता कि 6 महीने बाद फ्लोर टेस्ट होगा, ये कर देते तो शुक्र मनाइए कि कुछ नए लोग आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जिस पर कोई दाग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सब साम दाम दंड भेद तमाम वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जो कभी राजतंत्र में हुआ करता था, मारना, हत्या करना, लोगों को डराना। डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है उससे साफ है कि अभी भी उम्मीद बची है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, लेकिन अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग होते तो इस तरह के फैसले नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो फैसला आया है, हिम्मत तो मिलता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र जो है वो बहुत महीन पिसता है, उसके चक्की के नीचे सबको आना पड़ता है। मोदी जी, अमित शाह जी, आपने इस देश को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चला रहे हैं, जैसे आप गुजरात को चलाते थे। ये जनता है जिसने इंदिरा गांधी को उखाड़ा है, जिसने नेहरू के खिलाफ बगावत की है। आप यकीन मानिए, जनता आपके खिलाफ भी सड़कों पर उतरेगी। जिस तरह से आपने एजुकेशन ख़त्म कर रहे हैं, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी की नौकरियां ख़त्म हो रही है, जिस तरह से देश की इकॉनमी बर्बाद हो रही है, जिस तरह से आरबीआई बर्बाद किया जा रहा है, जनता को सड़कों पर निकलना होगा। नहीं तो यकीन मानिए, डेमोक्रेसी सिर्फ कहने के लिए है, संविधान को पलटा जा रहा है, संविधान की अनदेखी की जा रही है, और डेमोक्रेसी को ईवीएम के जरिए, ईडी सीबीआई के जरिए हाईजैक कर लिया गया है। और इसकी सबूत हैं, चाहे वो सीबीआई का डायरेक्टर का बगावत हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का बगावत हो, सचमुच डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। आगे नज़र रखिए महाराष्ट्र में और क्या खेल करते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।